यस, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के साथ, पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। एक वर्ड आता है यहाँ पे, ट्रेट्स मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपका ऑब्जर्वेबल होता है, जो हम देख सकते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है। तो बहुत सारे डिजायरेबल ट्रेट्स थे, बहुत सारे उसमें कलर थे, बहुत सारे उसमें हाइट में वेरिएशंस थी। टॉल पी प्लांट भी थे और शॉर्ट भी थे, तो इसीलिए डिजायरेबल ट्रेट्स की वजह से पी प्लांट लिया। दूसरा, जो पी प्लांट का जो लाइफ होता है, उसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसकी वजह से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट लाइफ स्पैन था, कई सारे ट्रेट्स थे उसके अंदर, इसीलिए मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, पी प्लांट सिलेक्ट किया। एक थर्ड रीजन ये था कि यहां पर हम क्रॉस ब्रीड भी कर सकते हैं और सेल्फ ब्रीड भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया। नाउ ये एक्सपेरिमेंट था क्या, उसको हम देखते हैं। मेंडल ने क्या किया, मेंडल सिलेक्टेड टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट, एक ही ट्रेट लिया और वो था यहां पे हाइट। इसीलिए इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब है सिंगल। सो टॉल पी प्लांट लिया और शॉर्ट पी प्लांट लिया एंड ऑब्टेन प्रोजेनी। प्रोजेनी मींस द नेक्स्ट जनरेशन। कैसे किया, यहां पे पेरेंट्स, अब टॉल के लिए हम यहां पे लिखेंगे टॉल पी प्लांट के लिए कैपिटल टी कैपिटल टी, और शॉर्ट पी प्लांट के लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट है गैमीट्स, गैमीट्स को अब हम यहां पे अलग कर देंगे। गैमीट्स कौन कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। एंड नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे एफ वन प्रोजेनी, मींस जब फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हुई, वो क्या था यहां पे, उसको बनाने का एक तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे, इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। ये वैल्यूज को यहां पे लिख दो कैपिटल टी, इन वैल्यूज को यहां पे लिख दो स्मॉल टी। नाउ दिस इनटू दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इनटू दिस, सब में एक ही रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यह था कि टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट के साथ जब क्रॉस ब्रीड कराया तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल आए। तो रिजल्ट क्या आएगा, उसको हम यहां पे लिखते हैं, ऑल प्लांट्स वर टॉल। हमें ये क्लियर हो गया कि सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल थे, ठीक है। बट यहां से हमें कंक्लूजन और देखने के लिए हमें इसका एफ टू जनरेशन निकालना होगा, सेकेंड प्रोजेनी। तो मेंडल ने क्या किया, आप प्लीज साथ साथ नोट कर लीजिए, मेंडल ने क्या किया, फिर F2 जनरेशन ऑब्टेन की, F2 प्रोजेनी। उसके लिए क्या किया, F1 के रिजल्ट को F1 के साथ ही सेल्फ फर्टिलाइज करके देखा। नाउ क्या रिजल्ट आया यहां पे, F1 का जो हमारे पास रिजल्ट था वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको F1 के साथ ही करके देखा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये थे पेरेंट्स। अब गैमीट्स को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी देन स्मॉल टी। अगेन हम क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वैल्यू को यहां लिख दिया, इस वैल्यू को यहां लिख दो, एंड अगेन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। दिस दिस ये आ गया कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल ने यह देखा लास्ट में, अब देखो ये दोनों टॉल प्लांट थे, लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया यहां पर कि आपके पास तीन तो आ गए टॉल प्लांट और एक आ गया शॉर्ट प्लांट। तीन आ गए टॉल प्लांट, एक आ गया शॉर्ट पी प्लांट। इससे ये क्लियर होता है टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। यहां से ये क्लियर हुआ कि जो टॉलनेस है इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, मींस जो टॉल हाइट है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, whereas short height is a recessive trait. So basically इस experiment से यह पता लगता है कि जो traits होते हैं, जो features हम देख सकते हैं, वो dominant भी हो सकते हैं और recessive भी हो सकते हैं। First generation में short वाला नहीं हो पाया, इसका मतलब वो एक recessive trait है, और tall वाला जो है वो dominant trait है, वो दूसरे वाले को अपने आप को express करने नहीं दे रहा। So, आप देख सकते हो यहां पे आपके पास टॉल वाले और शॉर्ट वाले की जो रेशियो आई है वो कितनी आई है, 3:1। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। यहां पर टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है,
शॉर्ट हाइट एक रिसेसिव ट्रेट है। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर और भी वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।